विवाहिता, यदि आपके झूठ बोलने से किसी कन्या का शादी हो जाती हो कि नहीं, बहुत समझदार लड़की है, अच्छा परिवार है, जरूर आप उस कन्या के साथ में विवाह करो, तो झूठ का पाप नहीं लगेगा। स्त्री नर्म विवाहे चा वृत्त्यर्थे, यदि आपके झूठ बोलने से किसी की वृत्ति आजीविका बच जाती हो, अपने लिए नहीं दूसरे की आजीविका बच जाती हो, तो झूठ बोलने में कोई गलती नहीं। स्त्री नर्म विवाहे चा वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, अगर आपके प्राण एकदम संकट में पड़े हो और कुछ झूठा बोलने से आपके प्राण बच जाए, तो श्रीमद् भागवत में कहा है कि प्राण संकट में आप झूठ बोल सकते हैं। और पांचवी जगह है कि गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, अगर आपके झूठ बोलने से गौ ब्राह्मण की हिंसा बच जाए, उनके ऊपर का संकट टल जाए, तो आपको पाप नहीं लगेगा। ये पांच जगह आप झूठ बोल सकते हो। स्त्री नर्म विवाहे चा वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानतम सात जगुप्तम, पर राजा वलि फिर भी नहीं टले, ये होता है धर्म। नहीं, मैंने तुमको वचन दे दिया है, अब मैं वचन नहीं, अब तो संकल्प करेंगे। और पुरोहित, शुक्राचार्य जी गलत नहीं कर रहे थे, पुरोहित का अर्थ होता है पुराह एव हितम कल्पते सा पुरोहिता, जो अपने जजमान की कल्याण की कामना करे। इसलिए उन्होंने वो सागरों की टूटी में जाकर के बैठ गए कि पानी ही नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे करोगे। भगवान नारायण तो सर्वांतर्यामी, पुरोहित ने कहा कि पानी नहीं गिर रहा है, कोई बात नहीं, मुझे तो एक कमंडल हूँ, और कमंडल लिया, वहीं पर पूजन के लिए कुशा बहुत रखी हुई थी, एक कुशा उठा करके ऐसे चलाया तो एक आंख गोविंदा है नमो नमः हो गई। अगर कोई सत्कर्म करता है और आप उसमें टांग आते हो तो तुम्हारी एक आंख गोविंदा है नमो नमः हो जाती है। एक आंख का मतलब ये लौकिक आंख नहीं, इस आंख से मत जोड़ना, किसी संयोग बस किसी की हो गई हो तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये कोई ऐसा कारण हुआ। संयोग से तो किसी का भी अंग भंग हो सकता है, उसको कभी हंसना नहीं चाहिए। जो दूसरे को अंग भंग देख करके हंसते हैं उनको बहुत बड़ा पाप लगता है। तो जो भगवान ने जैसे काग की एक आंख खोली, तो आंख एक आंख खोलने का मतलब द्वैत दृष्टि जो है ना, तो एक ही दृष्टि रखो ईश्वर ब्रह्म। और जो ही संकल्प किया, देखते देखते भगवान विराट हुए, और विराट बनने के बाद में उन्होंने एक पांव को नीचे धरती में मारा, तल वितल तलातल सुतल रसातल, और नीचे तक चला गया पांव, एक पांव ऊपर को बड़ा, जनलोक तपलोक महालोक पर सीधे ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने चरण पखारे, कमंडल में गंगा जल को रखा, और तीसरा पांव उतरा के राजन तो बड़ा सत्यवादी बनता था कि सत्य से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है, अब बता तेरा ये सत्य कहाँ गया, तूने कहा था तीन पग भूमि देगा, बता मैं तीसरा पांव कहाँ रखूं। तो राजा बलि उनके चरणों में गिर गए, कहा पदम, मुझे आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि धन बड़ा होता है या धनी, धन बड़ा या होता है धन का मालिक, कहा धनी बड़ा होता है, कहा तो धन धन ये है और मैं धनी हूं, तो पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम, ये तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रख करके मुझे भी अपनी जागीर में नाप लो मेरे मालिक। और फिर भगवान का वो पांव ऊपर से नीचे उतरा, भगवान का वो धमकदार पांव जिसने पृथ्वी को फोड़ा, जन लोग तप लोग नीचे सारे के सारे लोगों को फोड़ दिया, वो ही ऊपर से चला रहा था भड़बड़ाता हुआ ऊपर से नीचे। अब ऋषि मुनि लोग घबराए कि राजा बलि गया, अभी पांव पड़ा और ये खत्म। और ऋषि मुनियों को चिंता हो गई कि भगवान करुणा सागर हैं, भगवान दयालु हैं, सभी ने प्रार्थना शुरू की कि हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं और आपके रहते हुए किसी के बंधन लगे रहे, ये उचित नहीं है, इसलिए महाराज इसके बंधन खुलने चाहिए। फिर भगवान ने उसकी प्रार्थना, विंध्यावली ने प्रार्थना की, विंध्यावली मनी उनकी पत्नी ने प्रार्थना की, और बड़ी सुंदर प्रार्थना की, क्रीडार्थमात्मनिदं त्रिजगत कृतं ते, हे ईश्वर, सारी धरती आपका क्रीड़ा जगत है, आपकी बनाई हुई धरती, और आपकी बनाई हुई धरती के झूठे मालिक बन बैठे थे, और आपकी वस्तु आपको ही दान दे रहे थे, कितना बड़ा इनका अज्ञान था, अच्छा किया आपने इनको बांध लिया। फिर धीरे से बोली, आप करुणा सागर हो ना, बोले हाँ, तो क्या करें, बोले अब इनको छोड़ दो, आपका नाम की इज्जत जा रही है। बोले क्यों, बोले जिसके सामने परात्पर पुरुष परमात्मा भक्त वत्सल भगवान खड़े हो और उसके ऊपर वे आपके नाम को स्मरण करने से भाव बंधन खुल जाते हैं, और आप सामने खड़े फिर भी इस पर बंधन लगे हुए हैं, इसलिए आप उसको मुक्त कर दीजिए। मुक्त किया, भगवान ने उनको रसातल को भेजा, और भगवान रसातल से पूछा, उनसे पूछा, बोले से और क्या चाहते हो, बोले अब आपके बिना हमारे प्राण नहीं रह सकते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ में रहें। तो द्वारपाल के रूप में
वामन भगवान रसातल में उनके साथ में रहते हैं। इसके बाद में सत्यव्रत मनु की कथा है कि किस प्रकार से मछली के रूप में उन्होंने भगवान का विराट दर्शन किया। नवम स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन है और सूर्य वंश के विशाल वर्णन करते हुए उसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से सूर्य वंश का अवतरण ततो मनु श्राद्ध देवा संगायामास भारत। महाराज मनु ने एक विशाल यज्ञ किया, उनको कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। वशिष्ठ जी के सनद से एक पुत्र उनको पुत्र के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया, पुत्रेष्टि काम यज्ञ। लेकिन होताओं के विपरीत संकल्प से वो पुत्री बनी। तो राजा ने कहा कि महाराज हमने तो पुत्र की कामना से यज्ञ करवाया था, ये पुत्री कैसे पैदा हुई। तो वशिष्ठ जी ने ध्यान रख करके देखा तो उन्होंने कहा कि होताओं के विपरीत संकल्प से ऐसा हुआ है। पर कोई बात नहीं, शंकर जी ऐसे देवता हैं कि अनहोनी को होनी में बदल दें और होनी को अनहोनी में। शंकर जी की प्रार्थना की और वो लड़की जो थी वो लड़का बन गई, राजकुमार बन गया। और राजकुमार बनने के बाद में एक बार अपने राजकुमारों के साथ में एक आखेट खेलते हुए इलावृत खंड में चले गए। इलावृत खंड एक ऐसा खंड है जहां भगवान शिव दिगंबर रूप में विहार करते हैं। और जब भगवान शिव यहां पर विहार करते थे, पार्वती जी भी निर्वस्त्र ही रहती थी, यदि कोई वहां पर आ जाए तो उन्हें संकोच होता था। उन्होंने कहा कि महाराज इसमें ना दीवाले न पर्दे, ये कैसा लोक है आपका। तो भगवान शंकर जी ने कहा ऐसे मैं केलत कर देता हूं, यहाँ इस क्षेत्र के अंदर में जो भी प्रवेश करेगा वो कोई भी पुरुष होगा वो स्त्री रूप में परिणत हो जाएगा। और राजकुमार साहब उसी में चले गए और फिर वो जितने उनके साथ थे सब स्त्री रूप में परिणत हो गए। अब इतनी शर्म आई कि लौट करके घर नहीं आए। लौटते लौटते चंद्रलोक को चले गए और चंद्रमा के लड़के बुध से प्रेम कर बैठे, अंग्रेजी में बोल दिया हम आपको प्रेम करते हैं। और उसके बाद में शादी हो गई, शादी में और उनको एक बेटा भी पुरुरवा पैदा हो गया। बाद में लौट करके आए, शंकर जी की प्रार्थना की गई, फिर 6 महीने के लिए लड़के 6 महीने के लड़की रूप रूप में रहते। फिर उनको शर्म आई कि ये भी कोई जीवन है, सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए। इन्हीं की परंपरा में आगे चल करके शरियाती नाम के राजा हुए। शरियाती नाम के राजा एक दिन अपने परिकर के साथ में च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। प्राचीन काल में ये परंपरा होती थी, कुछ समय के लिए राजा लोग भी ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर के साधना करते थे, उससे शक्ति और पावर आती है। दिन रात में घर गृहस्थी में मत पड़े रहो, कुछ समय निकाल करके संत की कहीं कथा तीर्थ में हो रही तो वहां जाकर के निवास करो। अभी होली होने वाली है, बड़े आराम से वृंदावन आ जाना 23, 24, 25 मार्च। और बब्बर जी ने तो कह दिया है कि आएंगे परिवार समेत, तो आएंगे तो आप सब लोग आइए बड़े भाव के साथ में। और जिस दिन होली खेलते ना उस दिन श्रीमद वृंदावन धाम की परिक्रमा करेंगे अपन, बड़ा आनंद आता है उस दिन परिक्रमा, सुबह से ही उठती है। और जो ना जा सके तो शायद वो DD1 पर लाइव भी रहेगी। DD1 तो गांव गांव में चैनल होता है, सरकारी चैनल दिखाई पड़ेगी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस तरह से अत्यंत दिव्य वो वहां पर गए। कन्याएं घूम रही थी, लड़कियां सब मिलकर के, हम उम्र लड़कियां थी तो पिताजी सत्संग निष्ठा कर रहे थे संतों के साथ में बैठ करके। लड़कियां जरा घूमने चली गई, एक बामी को देखा उसमें जरा रोशनी निकल रही थी, एक लकड़ी उठाई और उसमें ऐसे ऐसे चला दिया और जो ही लकड़ी चलाई उसमें खून की धारा निकली। हाय अम्मा हाय बाप कह करके भागी, ये क्या हो गया। वो च्यवन ऋषि थे, समाधि करते करते उनके शरीर में बामी पड़ गई थी और उनके अंदर से 2 आंख ज्योतियां चमक रही थी, उन्होंने आंख को फोड़ दिया। इसलिए ऋषि के तपस्या के कारण सभी की शक्ति, सभी की आवागमन वाली जो हवा थी वो रुक गई और सभी लोग व्यथित हो गए। वो जान गए वो शरियाती राजा कि लगता है कोई ना कोई ऋषि की गलती हुई है। ऋषि के पास में आए, देखा उनकी आंख फूट गई है तो उन्होंने कहा जिसने भी ये अपराध किया है वो सामने आ जाओ। तो उनकी एक बेटी थी सुकन्या, पर सत्यवादी थी, झूठ नहीं बोलती थी, वो चाहती तो वो भी चुप बनी रहती, पर उसने कहा पिताजी ये अपराध मैंने किया है। तो उन्होंने कहा कि तुम ही को इनका सहारा बनकर के रहना पड़ेगा। और उन्होंने अपनी उस बेटी का विवाह उस बुजुर्ग ऋषि के साथ में कर दिया और शरियाती राजा अपने राज महलों को लौट आए। राजा के चले जाने के बाद में
देखो बेटियों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा की बात है, पति तुम्हारा कैसा भी हो लेकिन यदि तुम्हारे पास में तपस्या है, तुम्हारी साधना है, तो तुम विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना सकती हो। यह हमारे शास्त्र कहते हैं पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है। पतिव्रत धर्म पूर्वक जब उस कन्या ने, उस देवी ने, उनकी पत्नी ने, सुकन्या ने उनकी सेवा शुरू की तो च्यवन ऋषि प्रसन्न हुए, बड़े तपस्वी संत थे। एक बार बैठ करके बोले कि ये जो कुछ हुआ है क्षमा करना, ये तुम्हारे साथ में अन्याय हो गया है, तुम्हारी ये उम्र नहीं है कि मेरे जैसे बुजुर्ग ऋषि के साथ में तुम्हारी शादी होती, पर चलो मैं तुम्हारे सुख के लिए, मैं पति हूं, मेरा कर्तव्य होता है कि मैं तुम्हें सुख पहुंचाऊं, मैं कुछ करता हूं। सिद्धि के द्वारा उन्होंने अश्विनी कुमारों को याद किया, धन्वंतर के पुत्र अश्विनी कुमार सामने प्रकट हुए। अश्विनी कुमारों से कहा कि आप तो वैद्यों के बेटे हो, हमारे लिए कोई ऐसी औषधि बना करके तैयार करो जिससे मैं युवावस्था को प्राप्त हो जाऊं, परिणाम स्वरूप आपको यज्ञ में हम भाग देंगे। और फिर वो उन्होंने, महाराज अब उन्होंने कौन सी जड़ी बूटी बनाई वो तो अपन को मालूम नहीं है, पर आयुर्वेद वालों ने च्यवनप्राश जरूर बना दिया। हाँ, हम उसका कोई विज्ञापन नहीं कर रहे हैं, पर उसमें यही लिखा रहता है इसको खाओ पियो जवान बनोगे, च्यवन ऋषि बन गए थे उसको खा पी करके। तो महाराज उस प्रकार से बाद में अत्यंत दिव्यतम उन्होंने पति को अपने सर्व के गौरव के रूप में प्राप्त किया। बड़ी लंबी कथा है, इसके बाद में चलकर की कथाएं, ये नवम स्कंद है और इसकी हर एक कथा बड़ी प्रेरणादायक है। इसमें यह बताया गया है कि जीवन में ऐसा कोई भी माई का लाल नहीं है जो छाती को ठोक करके कह दे कि मैंने कभी गलती नहीं की है, पर गलती करके भी जो अंतिम समय में अपने आप को संभाल ले वही भला है, अंत भला सो सब भला। इसमें एक और ऋषि की कथा है, सौभर ऋषि। सौभर ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जो जमुना में, बहुत गौर से सुनना कथा को, जमुना ये महात्माओं के लिए है कथा वैसे विशेष रूप से, क्योंकि सबके लिए है ना, तो ये महात्माओं को शिक्षा देने के लिए। सौभर ऋषि जमुना में स्नान कर रहे थे, जमुना के अंदर में दो मछलियों को काम कीड़ा करते हुए देखा और उसको देख करके उनके मन में वासना जाग गई, उनके मन में विचार पैदा हो गया कि हमें भी शादी करनी चाहिए। अब कैसे शादी हो, तो उनके शिष्य थे राजा मानधाता, वो राजा थे, मानधाता के पास गए और मानधाता से कहा कि राजन राजगद्दी पर बैठो, सिंहासन पर बैठो, बैठ गए। क्या करें, बोले हम शादी करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा सटक ली बुद्धि गई है, कैसी बात करते हैं बुढ़ऊ, ये क्या, तो आपने कोई लड़की खोजी है क्या, हम शादी करा देते। कहा नहीं, हमने नहीं खोजी। तो बोले तुमने नहीं खोजी तो हम किससे शादी करा दे, आप खोज के ले आओ। बोले हम खोजने कहाँ जाएं, आपकी 50 लड़कियां हैं ना, उन्हीं 50 में से एक लड़की की शादी मेरे साथ करा दे। तो राजा ने कहा कि लड़की कोई गाय बैल तो है नहीं कि रस्सी बाबा जी को पकड़ा दे, अगर हम इन बाबा जी की बात नहीं मानते तो ये श्राप मुझे दे देंगे, और यदि मैं किसी कन्या की विपरीत इच्छा के इसके साथ शादी कर दूं तो वो कन्या रोएगी मेरे ऊपर कि पिताजी ने क्या किया मेरे साथ। राजा बड़े समझदार होते थे, उन्होंने ऋषि सौभर ऋषि से कहा कि आप अंदर चले जाइए, मेरी 50 कन्याओं से आप मिल लीजिए, जो कन्या आपके साथ में विवाह करने के लिए राजी हो जाएगी उस कन्या का विवाह हम आपके साथ में कर देंगे। च्यवन ऋषि समझ गए ये मेरे बुढ़ापे का, बदसूरती का मजाक उड़ा रहे हैं। तपस्या के प्रभाव से इतने सुंदर बने, इतने सुंदर बनकर के जमजमाते हुए जहां से अंदर प्रवेश किया, एक की बात तो क्या करें, 50 की 50 कन्याएं पिताजी को टाटा बाय बाय करके कहा कि हमारी शादी करो हम जाए साहब चलिए। अब सोचो क्या आनंद आया होगा बाबा जी को, कितना सुंदर घर बसा होगा, एक एक पत्नी नहीं थी, 50 पत्नियां एक साथ उनके घर में। पर ये सुख शादी करने वालों से पूछो जिनकी हो गई है कि कितने दिन तक का ये सुख रहता है। एक जगह एक कन्या की विदाई हो रही थी, इतनी रो रही थी पूरा मोहल्ला सुन रहा था, और उसी समय श्रीमान जी बाहर गाड़ी के पास में खड़े हुए, क्रम के जूते पहने, टाई बांधे हुए, हंस रहे थे ठाक के मार करके। किसी ने पूछा ये कन्या इतनी रो क्यों रही है, महात्मा ने कहा ये रोने को विदा कर रही है, आज के बाद में इसका रोना धोना बंद। कहा श्रीमान जी हंस क्यों रहे हैं,
इनकी आज से हंसी की विदाई हो रही है कि आज के बाद से इनकी हंसी गुम। सुमात्मा के पास में 50 पत्नियां आई, एकाध दो वर्ष तो भगवान जाने कैसे व्यतीत हुए होंगे, लेकिन उसके बाद में जब बच्चे पर बच्चे, बच्चे पर बच्चे जब पैदा हुए, एक की जब तक नाई बने, दूसरे की नाक बहे, तीसरे को संभाले, चौथा रो रहा है धरती पर पड़ा हुआ, एक नाली में गिर गया। महात्मा बड़ा गया और बड़े सुंदर दो श्लोक कहे उस महात्मा ने श्रीमद् भागवत में, अहो इमं पश्यत मे विनाशम तपस्विना सच्चरितव्रतस्य। वो कहते हैं हाय हाय, देखते देखते मेरा जो सबसे बड़ा धन था तपस्या, उसको मैंने नष्ट कर लिया। महात्माओं का सबसे बड़ा धन सच्चरित्रता होती है। अहो एवं पश्यत मे विनाशम तपस्विना सच्चरितव्रतस्य अंतर्जले वारिचर प्रसंगात प्रच्छावितो ब्रह्मचरितम धृतम। जल के अंदर मछलियों की काम कीड़ा देख करके मेरा वैराग्य हिल गया। इसलिए अगला श्लोक सन्यासियों के लिए कहा, सावधान महात्माओं, संसार में आपको भी एकाकी विचरण करना चाहिए, और कभी भी सन्यासी को किसी भी गृहस्थ के घर में नहीं रुकना चाहिए। और बड़ी सुंदर बात बताते हैं कि कैसे रहना चाहिए, तो कहते हैं कभी भी सन्यासी को उनके घर में नहीं रहना चाहिए, और बताते हैं कि संयम तजेत मिथन वृतिना मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणी। प्राचीन काल में महात्मा लोग आते थे, मंदिर में ठहर जाते थे, बाहर की सराय धर्मशाला में ठहर जाते थे, घर में नहीं ठहरते थे। कहते कि मैंने जल के अंदर की मछलियों की काम कीड़ा को देख करके मेरा वैराग्य हिल गया, तो जो गृहस्थियों के बीच में रुकते हैं उनका क्या होता होगा। इसलिए कभी भी साधु को, कभी भी सन्यासियों को बच्चे बहु परिवार में नहीं रुकना चाहिए, बाहर ही सहन करना चाहिए, बाहर ही रुकना चाहिए। एक से बढ़कर के एक कथाएं हैं, गंगा जी का कैसे अवतरण हुआ उसका वर्णन किया गया है। और कहते हैं अलग अलग अम्बरीश जी महाराज की कितनी तपस्या थी, एकादशी व्रत के दिन दुर्वासा जी आए और उन्होंने कालकृत्य को प्रकट कर उन्हें खत्म करना चाहा, एकादशी व्रत से हिलाना चाहते थे, पर महाराज सुदर्शन चक्र ने उन्हीं के पीछे लग गया और अंतगत ने अम्बरीश की शरणागति लेनी पड़ी। और ये कथा ये सिखाती है कि महाराज कभी भी भगवान के भक्त का अपमान न करें। अगर साधु भी साधु का अपमान करेगा, अगर वो साधु भक्ति रहते हैं तो भगवान उसे भी बर्दाश्त।